सो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आप सभी को भली भांति पता है कि 28 फरवरी 2024 को 16वीं किस्त का पैसा यहाँ पे जारी किया गया पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत। तो दोस्तों अगर आपको 28 फरवरी 2024 को 16वीं किस्त का पैसा आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत नहीं मिला है तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, एंड दोस्तों आपको किस लिए पैसा नहीं मिला इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे, आपको क्या काम करना होगा, उसके बाद आपको जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो है 2000 रुपया पैसा मिल जाएगा। एंड दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत एक लिस्ट जारी किया गया है। दोस्तों अगर उस लिस्ट में आपका नाम रहता है तो दोस्तों आपको पैसा पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो भी किस्त दिया जाता है वो किस्त आपको नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको टोटल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, आगे भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना से रिलेटेड इस चैनल पर अपडेट मिलते रहेगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 16वीं किस्त का पैसा आपको किस लिए नहीं मिला चेक करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको इस पोर्टल पर आ जाना होगा। एंड इस पोर्टल पर आने के बाद आपको यहाँ पे नीचे की ओर आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे फार्मर कॉर्नर में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जो कि दोस्तों नो योर स्टेटस। तो सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे नो योर स्टेटस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड नो योर स्टेटस वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है आपको यहाँ पे फिल कर देना है। एंड सिंपली सेम इस कैप्चर कोड को फिल करके आपको यहाँ पे गेट ओटीपी वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड गेट ओटीपी में क्लिक करते आपके पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उसमें आपको एक ओटीपी सेंड किया जाएगा जो कि दोस्तों ये मोबाइल नंबर आपके लिंक है लास्ट 4 डिजिट यहाँ पे शो हो चुका है। उस ओटीपी को आपके यहाँ पे मोबाइल ओटीपी वाला बॉक्स पर फिल कर देना है। देन आपको यहाँ पे गेट डाटा वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड गेट डाटा में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखिए तो आपको यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा जो कि देखिए तो ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर एंड ये मेरा फार्मर नेम है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे की ओर आना है। नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देख दो एलिजिबिलिटी स्टेटस एंड आप यहाँ पे देख दो लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स। तो दोस्तों इस किसान को आप यहाँ पे देख दो 15वीं किस्त इस बार मिल चुका है, यानी कि इस किसान को इस बार 15वीं किस्त तक मिला है। एंड दोस्तों आप यहाँ पे देख दो एलिजिबिलिटी स्टेटस, तो आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी स्टेटस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड दोस्तों आपको सबसे पहले ये तीनों ऑप्शन चेक कर लेना है। जी दोस्तों आप यहाँ पे देख दो लैंड सीडिंग एंड आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस एंड आप यहाँ पे देख दो इक्वाइसी स्टेटस। तो दोस्तों अगर आपके इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन नो है तो दोस्तों आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत कोई भी हरगिज पैसा नहीं मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन अगर नो है तो दोस्तों आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत कोई भी पैसा नहीं मिला है। उसके बाद आपके यहाँ पे नीचे की ओर आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो एफटीओ प्रोसेस, अगर आपके एफटीओ प्रोसेस नो है एंड आप यहाँ पे देख सकते हो रीजन फॉर फेल्ड इंटरनेशनल एफटीओ, अगर आपके यहाँ पे रीजन में कुछ दिखाई देते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस रीजन को आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना है, इस रीजन को ठीक कर लेना है। उसके बाद आपके यहाँ पे एफटीओ प्रोसेस यस हो जाएगा। अगर आपके दोस्तों आपके एफटीओ प्रोसेस यस नहीं होता है तो दोस्तों आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला है, जो कि देख दो इस किसान को इस बार 15वीं किस्त तक मिला है। एंड दोस्तों आप जैसे 16वीं किस्त यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो आपके पे नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो एफटीओ प्रोसेस यहाँ पे 16वीं ईएस हो चुका है। एंड दोस्तों यानी कि इस किसान को इस बार 16वीं किस्त का भी पैसा मिल चुका है। यहाँ पे देख सकते हो क्रेडिट डेट यहाँ पे अभी तक नहीं अपडेट हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुछ ही दिन में क्रेडिट डेट भी यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। सो दोस्तों इस तरह से अगर आपके एफटीओ प्रोसेस यस है तो दोस्तों आपको समझ लेना कि आपके बैंक अकाउंट में इस बार 16वीं किस्त का पैसा मिल चुका है। अगर दोस्तों यहाँ पे एफटीओ प्रोसेस नो है या तो आपके एलिजिबिलिटी स्टेटस में कोई भी तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन नो है तो दोस्तों सबसे पहले आपको यस कर लेना है। ये तीनों ऑप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर दोस्तों ये तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन आपका नो रहता है तो आपको पैसा नहीं मिलने वाला। सो दोस्तों अब सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस तीनों ऑप्शन को यस कर लेना है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताए थे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत एक लिस्ट जारी किया है। तो दोस्तों उस लिस्ट में अगर आपका नाम है तो दोस्तों आपको सबसे पहले उस लिस्ट आपको नाम हटाना होगा। एंड दोस्तों किस तरह से उस लिस्ट को आप चेक कर सकते हो, दोस्तों आप किस तरह से उस लिस्ट से अपना नाम हटा सकते हो, चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट बताने वाला है। इसके लिए दोस्तों फिर से एक नया टैब को ओपन कर लेना है। नए टैब को ओपन करने के बाद आपके यहाँ पे CSE ID को लॉगिन कर लेना है। दोस्तों अगर आपके पास CSE ID नहीं है तो दोस्तों आप कोई भी एक CSE सेंटर जा सकते हो। उसके बाद आपका जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो लिस्ट है उस लिस्ट को आप यहाँ पे निकाल सकते हो। चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे CSE ID को लॉगिन कर लेते हैं। मैंने दोस्तों यहाँ पे CSE ID को लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। सो दोस्तों आपके यहाँ पे नीचे की ओर आना है। नीचे आने के बाद आपके यहाँ पे जो स्लाइड करके आपको देख लेना है यहाँ पे पीएम किसान देखने को मिल जाएगा जो कि देख दो ये पीएम किसान है। तो सिंपली दोस्तों आपके यहाँ पे पीएम किसान वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड आपके यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो CSE लॉगिन, तो आपके यहाँ पे CSE लॉगिन वाला ऑप्शन पर क्लिक करके आपके यहाँ पे इस डैशबोर्ड को यहाँ पे CSE से लॉगिन कर लेना है।
तो चलिए दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे यहाँ पे CSE से लॉगिन हो चुका है PM किसान का पोर्टल। एंड दोस्तों यहाँ पे CSE से लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जो कि देख सकते हो रिपोर्ट। तो आपके यहाँ पे रिपोर्ट वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना। एंड रिपोर्ट वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो KYC पेंड रिपोर्ट। तो सिंपली दोस्तों आपके यहाँ पे KYC पेंड रिपोर्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों आपके यहाँ पे सिलेक्ट टाइप में रूरल या अर्बन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। दोस्तों अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपके यहाँ पे रूरल वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अदरवाइज अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपके यहाँ पे अर्बन वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे ग्रामीण से है तो मैं यहाँ पे रूरल वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर दे। एंड दोस्तों आप यहाँ पे जैसे रूरल वाला ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे सबसे पहले आपका डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर दिए। एंड डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपके यहाँ पे फिर से यहाँ पे अपना ब्लॉक को सिलेक्ट करना है। चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे ब्लॉक सेलेक्ट कर दिए। एंड ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो विलेज, तो आपका जो भी गांव का नाम है सबसे पहले आपके यहाँ पे विलेज में क्लिक करके आपके यहाँ पे अपना गाँव का नाम सेलेक्ट करना है। चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे गाँव का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड गाँव का नाम सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो गेट डाटा, तो आपको यहाँ पे गेट डाटा वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड गेट डाटा में जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे KYC पेंडिंग का डाटा यहाँ पे शो हो जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो फार्मर नाम है। इन सभी किसान को यहाँ पे अभी जो है PM किसान के तहत जो KYC करना अनिवार्य है। तो दोस्तों अगर आपके इस लिस्ट में नाम है तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपना PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपको KYC कम्प्लीट करना है। ये जो लिस्ट है ये KYC पेंडिंग का लिस्ट है, इनमें से जिनका भी नाम है जिस किसान का नाम है आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे KYC करवा लेना है। PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत एक नई लिस्ट जारी किया है, जिन किसान के यहाँ पे नाम है उन सभी किसान का KYC पेंडिंग है, जो कि आपके यहाँ पे नाम यहाँ पे आपको ढूंढ लेना है। अगर आपके इस लिस्ट में नाम है तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे KYC को कंप्लीट कर लेना है। अब दोस्तों आप यहाँ पे जैसे KYC को कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपको जो PM किसान सम्मान निधि योजना का जो भी सालाना 6,000 का किस्त दिया जाता है उन सभी किस्त आपके बैंक अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस बार 16वीं किस्त पैसा नहीं मिला और आपको इस लिस्ट में नाम है तो दोस्तों आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपको यहाँ पे KYC कंप्लीट कर लेना है। एंड KYC कंप्लीट करने के बाद आपके यहाँ पे KYC कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो भी राशि दिया जाता है, जो भी किस्त दिया जाता है, वो किस्त आपके बैंक अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। तो ये था इन्फॉर्मेशन, इसी के कारण आपके बैंक अकाउंट में 16वीं किस्त का पैसा नहीं आया। तो दोस्तों ये था इन्फॉर्मेशन जो कि वीडियो के तौर पर आपको बता दिया। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक एंड इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। आगे भी आपको PM किसान सम्मान निधि योजना से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोज मिलती रहेगी। सो दोस्तों इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हो। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर।